Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study over open hermetically sealed compressor. So, my dear friends, यहाँ पे ये open hermetically sealed compressor ये होता क्या चीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये open hermetically sealed compressor आपका होता क्या चीज है. Is it all right? My dear friends, आपने फील्ड में मार्केट में दो टाइप के कंप्रेसर देखे होंगे. एक जो कंप्रेसर होता है जो कि एक बॉक्स में होता है, इस बॉक्स में एक कंप्रेसर आपने देखा होगा, इस बॉक्स में एक कंप्रेसर होता है. तो इसमें आपके जो कंप्रेसर होते हैं, ये कंप्रेसर आपका आइदर रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है, या फिर ये सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है, या फिर ये एक्सियल भी हो सकता है. तीनों में से कोई भी टाइप का ये कंप्रेसर हो सकता है. इज इट ऑल राइट? और इसी में इनबिल्ड आपका प्राइम मूवर भी होता है. प्राइम मूवर का मतलब क्या है? मोटर. प्राइम मूवर का मतलब क्या है? मोटर. इसी में आपका मोटर भी होता है. इज इट राइट? ये मोटर आपका इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से ये रन करेगा, ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, जिसके कारण यहाँ पे या तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा बाय द पिस्टन, या फिर रोटेटरी मोशन होगा बाय द वेन्स, दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल, या फिर एक्चुअली इसमें मोशन होगा जिसके कारण एयर आपका कंप्रेस होगा. एयर कहाँ से इंटर करेगा? यहाँ से एयर इंटर करेगा. ओके, ये इतना चीज होता है. या फिर आपने जहां पे आप अपने टायर में एयर फिल कराते हो, पंचर वाले की दुकान, तो वहां पे भी आपने कंप्रेसर देखा होगा. वहां पे आपने इस तरीके का कंप्रेसर देखा होगा, ठीक है ना? यहाँ पे ये स्टैंड में एक बॉक्स रहता है, ठीक है? यहाँ पे ये कंप्रेसर, और यहाँ से एक पुली रहती है, इस पुली से एक बेल्ट अटैच रहता है, और यहाँ पे आपका एक्सटर्नली एक अगेन इस एक मोटर इंस्टॉल रहता है, एक मोटर इंस्टॉल रहता है, और जिसपे ये बेल्ट आपकी कपल होती है, और ये होता है आपका मोटर, ठीक है? ये मोटर आपका जनरेटर से या फिर किसी चीज से ये चलता है, जिसके कारण ये कंप्रेसर का ये पुली है रोटेट करता है बाय द हेल्पिंग ऑफ बेल्ट, एंड जिसके कारण यहाँ पे एयर आपका कंप्रेस होता है. दैट मींस दिस इज योर कंप्रेसर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर इज नोन एज ओपन टाइप. ओके ना, दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर इज नथिंग बट योर ओपन टाइप. ये ओपन टाइप कंप्रेसर होता है, ठीक है? एंड दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर इज व्हाट? योर क्लोज टाइप. क्लोज टाइप कंप्रेसर. तो दो टाइप के कंप्रेसर पिक्चर में आए, ठीक है? अब ये क्लोज टाइप कंप्रेसर का क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में हम देखते हैं, और ये ओपन टाइप कंप्रेसर का क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में हम एक वन बाय वन करके हम देखते हैं. ये क्लोज टाइप जो कंप्रेसर आपका होता है, ये इसकी जो रिपेयरिंग होती है टफ होती है, ठीक है ना? टफ रिपेयरिंग होती है. व्हाई इट्स रिपेयरिंग गोना बी टफ? बिकॉज ये एक बॉक्स में ही यहाँ पे मोटर भी माउंट है, कंप्रेसर भी माउंट है, एक्सल भी माउंट है, सारी चीजें एक ही बॉक्स के अंदर माउंट है. तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को ओपन करना है, ठीक है? इस बॉक्स को ओपन करना है, उसके बाद सबकी अलाइनमेंट को, किसी ये एक्सल का, ये मोटर का, ये कंप्रेसर का अलाइनमेंट मिसमैच ना हो जाए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रिपेयर करना पड़ता है. तो इसका रिपेयरिंग टफ है. अगर इसका मोटर में भी गड़बड़ी होती है तभी भी ये पूरा बॉक्स को आपको ओपन करना है, या फिर कंप्रेसर में भी गड़बड़ी होती है तो इंडिविजुअल यहाँ पे वर्क नहीं होना है, यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करना ही पड़ता है. और बार बार इस बॉक्स को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एयर लीकेज भी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे एयर लीकेज भी हो सकती है. ओके, सो इट्स गोना बी वेरी टफ टू रिपेयर. And second point is what? कि no short circuit in motor due to heating and no coil heat because compressor यहाँ पे इस case में आपका compressor जो होगा यहाँ पे, ये जो second point है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस open type compressor में आप देखिए, open type compressor में आप देखिए यहाँ का point, उसके बाद हम next closed type compressor में देखेंगे. तो open type compressor में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर और मोटर दोनों अलग अलग है, ठीक है? यहाँ पे कंप्रेसर और मोटर दोनों अलग अलग है, इसका मतलब क्या कि इजी, यहाँ पे क्या होगा, इजी रिपेयरिंग होगी. ओके, यहाँ पे इजी रिपेयरिंग होगी, ठीक है? यहाँ पे मोर लीकेज होगा, यहाँ पे मोर लीकेज होगा, यहाँ पे लेस
लीकेज होगा, ओके, यहां पे लेस लीकेज होगा, इस टाइप में मोर नॉइस जनरेट होगा, मोर नॉइस जनरेट होगा, क्योंकि मोटर का नॉइस अलग जनरेट होगा, कंप्रेसर अलग, यहां पे लेस नॉइस जनरेट होगा. सो दीज आर द फैक्टर, ओके, ये फैक्टर है, ठीक है. तो ओपन टाइप कंप्रेसर क्या होता है, क्लोज टाइप कंप्रेसर क्या होता है, उसके बारे में अब आप लोग जान चुके हैं. अब ओपन एंड हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर के बारे में हम देखते हैं कि ये ओपन एंड हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर ये एक्चुअली में होता क्या चीज है, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद सम स्टेटमेंट. सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, उसके बाद हम वन बाय वन उन सब लाइंस को भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखिए कि एन ओपन टाइप कंप्रेसर, एन ओपन टाइप कंप्रेसर द कंप्रेसर रन्स विद द हेल्प ऑफ मोटर, ठीक है. आपका कंप्रेसर, यस ऑफ कोर्स, बाय द हेल्पिंग ऑफ मोटर योर कंप्रेसर गोना बी रन. दैट मींस द कंप्रेसर रन्स विद द हेल्प ऑफ मोटर, ओके, थ्रू बेल्ट एंड पुली सिस्टम, ओके, थ्रू बेल्ट एंड पुली सिस्टम. दैट मीन्स द चांस ऑफ रेफ्रिजरेंट लीकेज आर वेरी हाई. दैट मीन्स the chance of leakage of refrigerant are very high. Is it all right? But the maintenance is very easy. Okay? Because the compressor and motor are separate unit. Because the compressor and motor are separate unit. Okay? Separate unit. यहाँ पे मोटर और आपका कंप्रेसर दोनों सेपरेट यूनिट होता है, इसीलिए यहाँ पे लीकेज का चांस बहुत ही ज्यादा होगा एंड यहाँ पे नॉइस भी बहुत ज्यादा होगा, बट यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ही कम होगा, मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे बहुत ही कम लगेगा, ओके. इन हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर the motor and compressor are installed on a same shaft, and enclosed in a single unit, welded steel seal. कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको क्लोज के बारे में बताया, ये ओपन, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, ओपेंड कंप्रेसर, और एक जगह है हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर. दैट मींस इन हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर, इसका मतलब क्या है कि दिस कंप्रेसर इज नथिंग बट योर क्लोज टाइप कंप्रेसर, ठीक है, क्लोज टाइप कंप्रेसर है ये आपका, ओके, एंड दिस कंप्रेसर इज ऑल अबाउट योर ओपन टाइप कंप्रेसर, ओके. और अभी अभी जस्ट मैंने पीछे आपको ओपन एंड क्लोज टाइप कंप्रेसर आपको ड्रॉ करके बताया था,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज टाइप कंप्रेसर में आपने क्या देखा था कि एक बॉक्स में एक सिंगल यूनिट बना होता है जिसमें कंप्रेसर भी होता है और एक ही एक्सल पे आपका कंप्रेसर एंड मोटर भी होता है, ठीक है, एक ही एक्सिस पे होता है, ठीक है, सिंगल यूनिट बनाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर एडवांटेज। ओके, अब थोड़ा सा एडवांटेज कुछ हम देख लेते हैं कि अगर हम क्लोज टाइप या फिर हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर के बारे में बात करें या फिर क्लोज टाइप कंप्रेसर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं उनको हम जरा पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, दैट मीन्स कम स्पेस में ही बन जाता है, लेस नॉइस क्रिएट करता है। ओके, नो लीकेज यहाँ पे होती है, ओके, इफेक्टिव कूलिंग ऑफ मोटर होता है, ओके, इफेक्टिव कूलिंग ऑफ मोटर यहाँ पे होगा, मतलब मोटर की कूलिंग काफी ही इफेक्टिवली होगी। एंड अगर डिसएडवांटेज देखा जाए, इसका डिसएडवांटेज देखा जाए, दीज आर ऑल द एडवांटेज ऑफ हर्मेटिकली क्लोज्ड टाइप कंप्रेसर। ओके, अगर डिसएडवांटेज इसका देखा जाए तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम मोटर, the refrigerant gets superheated, therefore work input to compressor gonna be increased, therefore work input to compressor gonna be increased. Okay, that means the maintenance and repairing is difficult. For this case, the maintenance and repairing is difficult. इस केस के लिए मेंटेनेंस और रिपेयरिंग आपका डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट योर ओपन एंड हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर। ओपन एंड हर्मेटिकली शील्ड कंप्रेसर के लिए अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा और कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर इज ओवर इवापोरेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवापोरेटर के बारे में स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर आवर कंडेंसर एंड देन वी आर गोइंग टू कंसिडर आवर थ्रॉटल वाल्व एंड देन उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स के बारे में देखेंगे, आवर वीसी सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम डक्ट की डिजाइनिंग करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम बेसिक्स प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट वी आर 100% अचीव्ड आवर टारगेट, दैट मीन्स 100% हमारा ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। ओके,